पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। देह व्यापार के इस मामले में पुलिस खुद ग्राहक बनकर आरोपियों तक पहुंची और उन्हें पकड़ पाई। पुलिस ने इस दलदल में फंसी लड़कियों को आरोपियों के चंगुल से आजाद कराया। वहीं इस मामले में दो होटल मैनेजर को गिरफ्तार भी किया। देह व्यापार का ये गोरख धंधा धर्मनगरी हरिद्वार के एक होटल में चल रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने एचटीयू सीआईयू के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसका भंडाफोड़ किया। आपको बता दें, यहां पर दिल्ली और पंजाब की लड़कियों को लेकर देह व्यापार कराया जा रहा था। व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो भेजकर उनका रेट तय होता था। पुलिस ने इस दलदल में फंसी सभी लड़कियों को आजाद कराया और इस मामले में पुलिस ने दो होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। वहीं दो लोग फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग होटल जो है लीज पर लेकर बाहर के लोग आके हैं और लीज पर होटल लिया हुआ, जहाँ पर कुछ अनैतिक एक्टिविटी चल रही। इसको देखते हुए एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जो गोपनीय रूप से ऐसे होटलों की जाँच कर रही थी जहाँ पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ पाई जा रही थी। इस पर फिर हमारी जो डिकॉय टीम जो प्राइवेट में हमारे कर्मचारी लगे और उनको होटलों में बुकिंग कराई गई, जिससे कि हर जगह ऑब्जर्वेशन हो सके कि कहाँ कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। इसी के क्रम में दो लोग को जो होटल के मैनेजर है, रैमसन होटल और हिल व्यू होटल है, इसके मैनेजर्स की अरेस्टिंग की गई है, जिनके मोबाइल से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लगता है कि इस एक्टिविटी में लगातार लगे हुए थे। और ये लड़कियां जो बाहर से नैतिक कार्य के लिए सप्लाई के लिए आती, दिल्ली पंजाब से ये अरेंज करते थे। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएं हैं वो विक्टिम हैं और पूर्व में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था और जिसके कारण वो इसे बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ दो लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, कुछ काफ़ी सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने साक्ष्य एकत्र किए, उसमें भी आगे हमारी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।